मित्रों, पिछले फ्राइडे को हम लोग मिले थे और दो महत्वपूर्ण निर्णय जो इस यूटी प्रशासन ने किया था को हमने अवगत कराया था और हमारे सहयोगी अधिकारियों ने विस्तार से उसकी जानकारी दी थी। कुछ मित्रों ने मुझे पिछले दो तीन दिनों में कहा कि हम लोग सोच रहे थे कि पहली बार आप प्रेस से मिल रहे हैं तो कोई बड़ी बात आप करेंगे, ये बड़ी छोटी बात, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसी बात हुई। मैं मानता हूं कि वो दोनों निर्णय 1 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं और मेरी दृष्टि में वो दोनों ऐतिहासिक निर्णय मैं मानता हूं। आज हम लोग जिस बात की चर्चा करेंगे, अभी हमारे सचिव सूचना ने आपको बताया है थोड़ा, तो मैं बात शुरू करूं उसके पहले फैज अहमद फैज, वैसे उर्दू की बारीकियों की तमीज मुझे नहीं है क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूं, पला बढ़ा उसी में हूं, तो आप लोगों के लिए 4 लाइन में अर्ज करके फिर अपनी बात शुरू करता हूं। गमे दिल सुनाने को जी चाहता है, गमे दिल सुनाने को जी चाहता है, तुम्हें आजमाने को जी चाहता है। सुना है कि जब से बहुत दूर हो तुम, सुना है कि जब से बहुत दूर हो तुम, बहुत दूर जाने को जी चाहता है। उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं है, उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं है, यूं ही रूठ जाने को जी चाहता है। फकत है यही उनकी नजरों का धोखा, फकत है यही उनकी नजरों का धोखा कि धोखे में आने को जी चाहता है। दुआ है कि हमसे वो 100 बार रूठें, दुआ है कि हमसे वो 100 बार रूठें, हमारा मनाने को जी चाहता है। और आखिरी शेर है जिसको कह के मैं अपनी बात शुरू करूंगा, नजर वो ना आए पर उनकी गली में, नजर वो ना आए पर उनकी गली में, यूं ही आने जाने को जी चाहता है। पिछली बार बातचीत में हमने एक चर्चा करी थी, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। सामान्य रूप से ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस, पीपुल सेंट्रिक गवर्नेंस, ये इसको फोकस मान करके, केंद्र बिंदु इसी को मान करके हम लोग काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जानकारी में है कि 2019 जून में बैक टू विलेज कार्यक्रम यहां हुआ था फर्स्ट फेज का, फिर बैक टू विलेज 1 में बड़ा उत्साह था लोगों के मन में, लोगों को एक नया अनुभव आया था और मैं कहूं कि उत्सव जैसा माहौल था, फेस्टिविटी का माहौल था गांव में। बैक टू विलेज 2 हुआ, लोगों की अपेक्षाएं जगी, एस्पिरेशंस इतनी हाई हो गई कि लोगों को लगा कि सब कुछ हो जाएगा। मैं मानता हूं कि उसमें काफी काम हुआ है और जनता से सीधा संवाद प्रशासन का रहे, मुझे लगता है कि किसी भी अच्छे शासन की प्राथमिक और अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है। ये जानते हुए भी कि इसमें कठिनाइयां आएंगी, बैक टू विलेज 3 महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती 2 अक्टूबर से करने का फैसला हम सब ने किया है, लेकिन पीछे अनुभव के आधार पर जो कमियां समझ में आई थी, अपने हिसाब से हम सब ने जितना भगवान ने बुद्धि दी है उसको मिलजुल करके सुधारने की भी कोशिश की है। और बैक टू विलेज 3 शुरू हो उसके पहले बड़ा अभियान लगभग 20 दिनों का गांव-गांव में हर पंचायत में प्रारंभ हुआ है। उस दिन मैंने चर्चा करी थी आपसे, जिस दिन कि सभी डीसीज और एसपीज 10:30 टू 11:30 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहेंगे 5 दिन सप्ताह में और लोगों से मिलेंगे, डिविजनल कमिश्नर्स और आईजी भी सप्ताह में 2 दिन सामान्य लोगों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में बैक टू विलेज कार्यक्रम की एक बार चर्चा की थी, मुझे लगता है कि
आप सब उससे परिचित हैं और बैक टू विलेज 2 की भी चर्चा इस बार 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने किया था। बैक टू विलेज 3 सकुशल हो और लोग इससे जुड़ सकें, इसको सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम बनाया है और उसमें 3 चीजें हम कर रहे हैं। एक अधिकार अभियान मुहिम बराए हकूक, जिसमें सर्विस डिलीवरी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं सोशल सिक्योरिटी की, तो बेनिफिशरीज 100% सेचुरेट हो जाएं, ये कोशिश प्रारंभ हुई है 10 तारीख से, गांव गांव हमारे लोग जा रहे हैं। उन्नत ग्राम अभियान, गांव एक विकास का मॉडल बने, इसकी कल्पना ग्राम स्वराज में बापू ने किया था और मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा शासन तभी माना जाएगा जब गांव का सशक्तिकरण हो सकेगा। और तीसरा जन सुनवाई अभियान, छोटी छोटी बातें लोग अपनी कह सकें, उचित फोरम पर इसका इंतजाम किया जिसके तहत मैंने बताया कि डीसीज और एसपी जाएंगे। जन सुनवाई अभियान के जो सैलिएंट फीचर्स हैं, उस दिन मैंने आपसे चर्चा करी थी, हर वेडनेसडे को जो हमारे सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं 10 बजे से 4 बजे तक डीसी और एसपी, अगर एक जिले में 3 सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं तो नंबर 1 के जो अधिकारी हैं सब डिवीजन नंबर ए पर रहेंगे डीसी और एसपी, नंबर 2 का जो सब डिवीजन है हमारे दूसरे नंबर के अधिकारी एडीसी और एडीएम रहेंगे, एडिशनल एसपी रहेंगे, नंबर 3 पर हमारा तीसरा अधिकारी रहेगा और बाकी जो जितने विभाग हैं सामान्य आदमी से जुड़े हुए उनके सभी अधिकारी, चाहे वो पीएचईडी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड्स हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, ये सब लोग भी वहीं उपस्थित रहेंगे। 10 से 4 लोग आएंगे, अपनी बात बताएंगे और जिसका समाधान तत्काल किया जा सकता है वहीं समाधान करने की का इंतजाम किया गया है। जो अगला वेडनेसडे होगा, अब अगर डीसी और एसपी सब डिवीजन ए पर हैं तो अगले बुधवार को सब डिवीजन बी पर चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट बुधवार को सब डिवीजन सी पर चलेंगे, इस तरह से रोटेशन होता रहेगा। मैं समझता हूं कि इससे सामान्य आदमी के जीवन में जो कठिनाइयां हैं दूर करने में हमें मदद मिलेगी। लक्ष्य हमारा है कि इसको हम ब्लॉक तक ले जाएं, लेकिन नया प्रयोग है, प्रयोग कैसा चलता है ये 2-3 महीने हम लोग वॉच करेंगे, 3 महीने में अगर सफलतापूर्वक चला और आपके सुझाव भी हम आमंत्रित करेंगे कैसा चल रहा है आप निश्चित रूप से हमें बतावें, तो फिर हम कोशिश करेंगे। अभी अधिकारियों की संख्या सीमित है, नया अभियान है, इसलिए हमने इसको तय किया कि अभी सब डिवीजन स्तर पर करते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो लक्ष्य हमारा है वो हम ब्लॉक तक ले जाएंगे ताकि पंचायत और गांव के आदमी को बहुत दूर न जाना पड़े। उत्तम ग्राम अभियान, उन्नत ग्राम अभियान, तो B2V1 और B2V2 में जो लोगों ने काम बताए थे उसको प्रायोरिटी के हिसाब से लोगों ने तय किया है। और मैं आपको एक सूचना के तौर पर, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि ये केवल अभियान था, काम नहीं हुआ है, मैं कुछ जिलों का आंकड़ा पढ़ना चाहता हूं और ये कागज भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और दूसरी बात कि बहुत साहसिक निर्णय यहाँ के प्रशासन ने किया है कि जो काम हुए हैं उसको पब्लिक डोमेन में हमने डाल दिया है। अगर किसी को आपत्ति है, कोई क्लेम करता है कि ये काम नहीं हुआ है, तो हम उसका स्वागत करेंगे कि वो बतावे कि ये काम नहीं हुआ है, तो हम इसको देखेंगे कि वो काम नहीं हुआ है तो फिर क्यों नहीं हुआ है और क्यों गलत रिपोर्टिंग की गई। ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 101 काम सभी पंचायतों को मिला करके टेकअप हुए थे, अनुमानित व्यय जो है एस्टिमेटेड कास्ट 282.63 करोड़ थी, अभी तक एक्सपेंडिचर 256.66 हो गया है और वर्क इन प्रोग्रेस 11 है, एस्टिमेटेड कास्ट 39.09 करोड़ है और एक्सपेंडिचर इसमें 13.31 करोड़, ये एक्सपेंडिचर हो गया है। तो मैं पूरा समय नहीं लेना चाहता हूं, ये 20 जिलों की सूची है, आपको हम उपलब्ध कराएंगे। इस बार हमने
थोड़ा इसको और विस्तार दिया है और कुछ बातें खास तौर से तय की हैं जिसको हम बैक टू विलेज थर्ड में करना चाहते हैं। पहला, जितने इंडिविजुअल बेनिफिशरीज हैं हमारी कोशिश होगी कि 100% सेचुरेशन उनका हो जाए। अनेक काम इसमें हो सकते हैं, स्कॉलरशिप का होगा, एससी एसटी सर्टिफिकेट होगा, डोमेसाइल होगा, एएलसी होगी, डिलीवरी सिस्टम होगा, राशन कार्ड बनना है, गोल्डन कार्ड बनना है। हम जो स्कीम अभी लॉन्च की आपको जेके हेल्थ स्कीम, जिसका नाम क्या होगा आपसे हमने सुझाव मांगे, तो वो भी इसी अभियान में हम चलाएंगे जब कि हर व्यक्ति को ये सुविधा मिलने लगे। पेंशन, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सभी काम हम उसमें स्कॉलरशिप पूरा करेंगे। मित्रों, दूसरी बात, ये अभियान शुरू करने के पहले 14वें वित्त माने 14th फाइनेंस कमीशन का जो पैसा पंचायतों में है, उसके अलावा हर पंचायत को 10 लाख रुपए उपलब्ध करा दिया गया है। काम वो तय करेंगे, जो हमारे ऑफिसर जाएंगे वो तय नहीं करेंगे काम कौन सा होगा, वो केवल फैसिलिटेट करेंगे लोगों को। गांव का आदमी बच्चा बताएगा, सरपंच, पंच, वहां के लोग मिलकर के तय करेंगे कि ये काम हमारी प्रायोरिटी के हैं, ये हम करेंगे। जहां सरपंच और पंच नहीं है वहां हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रशासन के लोग जाएं, गांव की बैठक बुलाएं और बैठक में तय करें कि ये दो या तीन काम महत्वपूर्ण है जिसे हम निश्चित रूप से करना चाहते हैं। ग्राम सफाई अभियान भी स्वच्छ, ओपन डिफिकेशन फ्री ये यूटी है, लेकिन जगह जगह एक समस्या आ रही है कि गांव में सफाई का इंतजाम नहीं है। तो ये जो पैसा हम दे रहे हैं उसमें सुनिश्चित कराएंगे कि हर गांव में वेस्ट रखने के दो बड़े बड़े डब्बे रख दिए जाएं। मनरेगा में जो जिन लोगों को हम पैसा देते हैं वो गांव में चिन्हित करेंगे कि ऐसे दो लोग नियमित सफाई का काम और ये कूड़ा उठा करके वहां डालने का काम ये करें। स्पोर्ट्स किट गांव की जरूरत के हिसाब से बच्चों को खेल कूद का सामान उपलब्ध कराया जाए, इसमें भी इसको व्यय किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर जलने की बड़ी शिकायत आती है कि साहब ट्रांसफार्मर खराब है। वैसे रोहित कंसल इस विभाग को देखते हैं, अधिकांश स्थानों पर ट्रांसफार्मर शहरी क्षेत्र में कुछ घंटों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे में पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें यह भी प्रोविजन रखा है कि अगर गांव ग्राम पंचायत चाहे उसका ट्रांसफार्मर खराब है तो इस पैसे से ट्रांसफार्मर भी खरीद सकता है, ताकि आने वाले सर्दियों में गांव में बिजली की दिक्कत ना हो ट्रांसफार्मर के काम। मैंने पहले ही बता दिया कि मनरेगा और 14th फाइनेंस कमीशन और ये जो पैसा हम दे रहे हैं ग्राम पंचायतों को, किस प्रकार के काम होंगे ये पंचायत को तय करना है, हम केवल फैसिलिटेटर की भूमिका में होंगे। और मैं समझता हूं कि काम भी जो वहां काम होगा उसी पंचायत का आदमी करे, ये भी हम सुनिश्चित करना चाहते हैं, ताकि इम्पावरमेंट, जो पब्लिक इम्पावरमेंट कहते हैं, पंचायतों को इम्पावर करना ये मोटे तौर पर हमारा लक्ष्य है। तो ये छोटे फैसले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये छोटे फैसले आने वाले समय में बड़ा बदलाव करेंगे। तो आज इतनी ही बात कह के आप सबसे मैं विदा लेता हूं, कोई प्रश्न होगा तो जरूर लिया जाएगा। जो आपने पंचायत के लिए 10 लाख रुपए मुफ्त रखे हैं, ये एक साल के लिए या 5 साल के लिए? ये अभी तत्काल के लिए, अभी बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 शुरू करने के पहले 10 लाख रुपया उनको आने वाले 2 दिन में मिल जाएगा। और ये साल के लिए, साल के लिए अभी बहुत बड़ा है, ये तो अभी शुरुआत है, देखते रहिए आगे आगे होता है क्या।